नमस्कार। देश की बात कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे एक नए षड्यंत्र की, जिसकी योजना पाकिस्तान में बैठे हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा किया जा रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों में आपने टीवी मीडिया के माध्यम से, आपके पास भी सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना आई होगी कि कानपुर की एक रेलगाड़ी को डिरेल किया गया। अजमेर से सूचना आई, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से सूचना आई, तो कई जगह से ऐसी सूचना आई कि भारतीय रेलवे को क्षति पहुंचाने के दृष्टिकोण से, भारतीय रेल को एक्सीडेंट कराने के उद्देश्य से, भारतीय रेल को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से रेलवे लाइन पर, रेलवे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े रखे गए, सिलेंडर भी उसके आसपास मिला और आगजनी के लिए पेट्रोल, माचिस और अन्य बहुत सारे सामान उसके आसपास प्राप्त हुए। इन सभी मिले हुए सामग्री और सबूतों से ये प्रतीत होता है कि कोई साजिश, कोई षड्यंत्र भारतीय रेलवे के रेलगाड़ियों के लिए कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। जांच एनआईए की टीम कर रही है, जांच आरपीएफ कर रहा है, जांच जीआरपी कर रहा है, जांच राज्य सरकार पुलिस कर रही है और जांच केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं। वो हर एंगल से हर संभावनाओं को जोड़ के, तलाश के इस जांच में जुटी है, जिससे ये प्रतीत होता है कि कोई बड़ा आतंकवादी साजिश आईएसआई पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट की बहाने तो कई न्यूज़ चैनलों ने अपने खबरों के माध्यम से बताया है कि इस तरह के षड्यंत्र के पीछे आईएसआईएस के मॉड्यूल काम कर रहे हैं। आईएसआईएस का मॉड्यूल इंटरनेट के माध्यम से नौजवानों को बरगरा कर, भारतीय नौजवानों को पैसा रुपया देकर, भारतीय नौजवानों को धर्म के आड़ में, भारतीय नौजवानों को खुदा की दुहाई देके, खुदा के राह पे उन्हें गुमराह करके इस तरह की घटनाएं करवाने की साजिश आईएसआईएस द्वारा की जा रही है, जो कहीं न कहीं आईएसआई का सहयोगी और उसका मित्र संगठन है। भारतीय रेल भारत के लोगों के लिए आन बान और शान है। भारतीय रेल दुनिया के कई देशों में विकास काम में लगी है। भारतीय रेल हर भारतीय की गर्व है, क्योंकि इतने बड़ी आबादी, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी, महाराष्ट्र से अरुणाचल, नेपाल से केरला, चाइना बर्मा के बॉर्डर से लेके हर तरफ
भारतीय रेल के लाइन बिछी हुई हैं, जिसके माध्यम से जनता का भी आना जाना आवागमन होता है, साथ ही साथ सर्वसामान, जरूरत की सर्वसामान दवाइयाँ, ये सभी भारत के कोने कोने में भारतीय रेल द्वारा पहुंचाई जाती है। इसलिए हर भारतीय ये कहता है कि मुझे भारतीय रेल पे गर्व है। शायद यही वो कारण है कि भारतीय रेल, जो भारत की प्राण है, उस प्राण को छीनने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन भारतीय रेल को निशाना बनाना चाहते हैं। लेकिन ताज्जुब इस बात की है कि इस पूरे के पूरे षड्यंत्र में जो भारतीय मुल्क के लोग हैं, जो भारतीय भाई बंधु हैं, जो भारत में रहने वाले भारत के निवासी हैं, उन्हीं लोगों का इस्तेमाल कर ऐसे षड्यंत्र को करने का प्रयास पाकिस्तानी एजेंसियां कर रही हैं। इसलिए हम भारतीयों को चाहिए कि ऐसे किसी भी गलत, आपराधिक, राष्ट्र विरोधी, आतंकवादी लोगों की मदद ना करें, उनके किसी षड्यंत्र का हिस्सा ना बने, उनके किसी मॉड्यूल का हिस्सा ना बने। ये भारत आपका है और भारतीय रेल हर भारतीय की शान है। नमस्कार। वंदे मातरम।